मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को खोया कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा सवाल जहाँ तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरखा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। मेडिकल सुविधाओं को लेकर काफी बात कही जा रही है, कई चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं और उसमें योगी जी ने भी कहा कि आजादी के बाद जो लोग मेडिकल सुविधाओं से वंचित रह गए, जिनकी मौतें हो गई, उन लोगों को एक तरह से श्रद्धांजलि होगी, जो सुविधाएं दी जा रही है। तो योगी को श्रद्धांजलि दो बोलिए जो गंगा पे लाशें तीर रही थी, जो नदी के किनारे जो कुत्ते लोच कर लाशों को खा रहे थे, उनको भी श्रद्धांजलि बोलिए, बोलेंगे उनके लिए वो, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, उनके बारे में बताइए। योगी क्या योगी ये कहना चाह रहे हैं, योगी को ये भी कहना चाहिए ना, उनको भी दीजिए आप, फिर बताइए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते योगी। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। आपको हम आपको फिगर्स दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज शॉर्टफॉल है सब सेंटर्स का 13,944 का, आपके लिए 40% इसमें शॉर्टफॉल है उस दूस में, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर में शॉर्टफॉल है 2,936 का, ये 49% शॉर्टफॉल है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में। हाँ, सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 53% का शॉर्टफॉल है, जो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ना, उसमें 84% का शॉर्टफॉल है। और क्या प्रधानमंत्री इस बात को भी झूठ कहेंगे कि उन्हीं की सरकार ने 22 नवंबर 2019 को पार्लियामेंट को ये जवाब देकर बताया कि उत्तर प्रदेश में 3,165 सीट वैकेंट है डॉक्टर्स के, ये जवाब में दिया था। आपने कहा था कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 4,509 है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, और जिसमें से डेफिसिट जो आप बता रहे हैं कितना, प्रधानमंत्री खुद कह दे, बता दे उस बारे में। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% हाउस होल्ड उसमें से आदमी हेल्थ स्कीम और हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है। तीसरा, क्या ये भी झूठ है कि इस साल जून 2021 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 975 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ आयुष्मान भारत में, और टेस्ट जो हुए सिर्फ 1,530 के करीब। कौन सी बात कर रहे हैं, जवाब पार्लियामेंट में एक दे रहे हैं और बोल रहे हैं एक भाषण में अपने। लेकिन सर, सुधार तो हुआ है, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ किया कि दिमागी बुखार से इतने बच्चे मरते थे लेकिन कंट्रोल किया गया, ये तो प्रधानमंत्री को ये पूछना चाहिए कि गोरखपुर में जो दिमागी बुखार से जो लोग बच्चे मर गए थे उसमें एक डॉक्टर था कफील, उसको क्यों निकाला आपने, वो भी तो मान लीजिए ना, ये क्यों नहीं मानते सच्चाई को आप, प्रधानमंत्री को मानना चाहिए इस बारे में भी। सर, अमित शाह श्रीनगर में है 3 दिन से, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी पे दौरा किया और कई और मुद्दों पे भी बातचीत की, और आज उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ये कहा है कि वो श्रीनगर में बुलेट प्रूफ शील्ड के बिना आए हैं, बल्कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ हो रही है, और अमित शाह ने कहा है कि 2024 तक हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को फ्री करेंगे और
और क्या है बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो आए? बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए। मैं भी भारत सरकार के दो डेलीगेशन में गया था, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको लेके फिरे, क्या मतलब उसका? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम एक डेलीगेशन में हम गए थे, और फिर दूसरा डेलीगेशन जब बीजेपी की सरकार थी, जिसमें लेट अरुण जेटली साहब और लेट सुषमा स्वराज भी थी, हम लोग गए तो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी फिरे। भाई क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप एक 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया, तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, टू व्हीलर्स को, वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट गाड़ी लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहां पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहां पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। देखिए, चीन ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया चीन में, और वो किया उन्होंने सितंबर में। भारत में 100 करोड़ यकीनन वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। कितने भारतीयों को लगाए डबल डोज? सिर्फ 31%। और फिर यही मोदी सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक सबको डोज लग जाएगा, दो डोज लग जाएंगे। उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिकली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया, तो भी झूठ साबित हुआ। क्या आप 2 महीने में इतने इंजेक्शन लगा पाए, वैक्सीनेशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर यही रफ्तार चली तो आइंदा साल 22 मार्च अप्रैल तक दो डोज लगेंगे लोगों को, पूरी जनता को। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोलते बगैर VIP कल्चर, अरे 25% तो लोग अब खुद लगा लिए ना, उसमें सरकार का क्या रोल रहा? 30% प्रधानमंत्री बोलते कि मेड इन इंडिया, कहाँ मेड इन इंडिया है ये? 90% तो ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीनेशन लगाई गई है, और वो बनाई गई बर्तानिया में, उसको बनाने का इंतजाम यहाँ पर पूना की फैक्ट्री को दिया गया। 10% जो 10% वैक्सीनेशन लगाई गई वो भारत में बनी, 90% तो वो तो इंग्लैंड बर्तानिया की बनाया गया है, वहाँ बनाया गया है, तो इसमें भी सच्चाई नहीं है। आप लोग बोलिए, आप लोग मोटरसाइकिल में फिरते, गाड़ी में फिरते? भारत में इतने लोग, नौजवान लोग, काम करने वाले लोग, मेहनत कश लोग, सब मोटरसाइकिल पे फिरते, और उनको पेट्रोल डालना पड़ रहा अपनी गाड़ी में। और बेहतरीन काम यह कि जब पेट्रोल स्टेशन पे जाते, 106 रुपये, 107 रुपये का 1 लीटर डलाते, तो उनको सामने पोस्टर नजर आता नरेंद्र मोदी जी का, खड़े हुए नमस्ते करते हुए कि बेटा देखो मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया, 106 रुपये पर लीटर कर दिया। वो भी तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वहां पर उनको। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ विधानसभा पे हम लड़ेंगे, वहाँ जाकर कैंपेन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कैंपेन? हम तो जा चुके हैं ना बनारस को, आपने कवरेज भी किया वहाँ पर। सर, कितनी सीटों पे लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अभी हमारी तैयारी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब ने कहा है कि 100 असेंबली सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ के फैसला करेंगे। सर, फिलहाल उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के सियासी हालत को आप देखते हैं? रोज कुछ ना कुछ नया हमको देखने को मिल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, आया राम गया राम बहुत देखने को मिल रहा है, आप पर भी उसका जो है असर हमको देखने को मिल रहा है, तो आपकी नज़र तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पर ज़बरदस्त पहली नज़र है, तो किस कैसे देख रहे हैं? हम अपने रास्ते पर सीधा चल रहे हैं, हमारा रास्ता सीधा है, हम उस पर चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, उस पर हम चल रहे हैं बराबर।